हाय फ्रेंड्स, होप सो आप सब बहुत ही अच्छे हो एंड स्वागत है आप सबका मेरे एक न्यू वीडियो में। और आज फिर से मैं आप सबके लिए एक न्यू सक्सेस स्टोरी लेके आया हूँ। आज मेरे साथ है बापुनी सुबोधी एंड बेसिकली बापुनी उड़ीसा से बिलोंग करते हैं एंड इनका भी रिसेंटली कैंपस प्लेसमेंट में सिलेक्शन हुआ है LNT में, कोलकाता कैंपस में। सो सुनते हैं बापुनी की स्टोरी एंड हाय बापुनी, हाउ आर यू, कैसे हो आप? सर बहुत बढ़िया हूँ सर। और खुशी का लेवल क्या है सिलेक्शन होने के बाद? सर कैंपस में पाने का खुशी कुछ अलग है। या डेफिनेटली खुशी अलग होता ही है, कैंपस में हर किसी को मिलता नहीं है जॉब, राइट? सो खुशी तो होगा ही डेफिनेटली। सो जब सिलेक्शन हुआ कैंपस में, देन आपने सबसे पहले अपने घर पे कॉल किया, राइट? हाँ सर, सो घर माँ को कॉल पे किया। माँ का मतलब रिएक्शन कैसा था आपकी मम्मी का? माँ बहुत खुशी हो गई और बोला कि मैं जानता था तेरा जरूर होगा। या डेफिनेटली। सो फिर आपने शायद मुझे कॉल किया, राइट? हाँ सर, नेक्स्ट तो कॉल आपको था सर। या डेफिनेटली मुझे भी बहुत खुशी हुई। सो जब आप कैंपस में इंटरव्यूज दे रहे थे, ठीक है, तो वो सारी चीजें जो मैंने आपको गाइडेंस दिया था, सब आपको हेल्प मिला उसका? सर बहुत ज्यादा हेल्प मिला सर। जो क्वेश्चन पूछ रहे थे, जो ज्यादा मुझे ज्यादा कॉस्टिंग और इंडेक्स से पूछा गया, और सारे क्वेश्चन ऐसा ही था जो आपने पहले पूछ ही लिया था मुझसे, इसलिए मुझे ग्रेट ज्यादा दिक्कत ही नहीं हुआ इंटरव्यू में। ग्रेट ग्रेट। एंड सो चलो हम स्टार्ट करते हैं आपकी जर्नी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने CMA कोर्स को ज्वाइन कैसे किया? सर मैं BCom के बाद CMA में ज्वाइन किया था सर। ओके मैं CA फाइनल का भी स्टूडेंट हूँ सर। ओके मेरा आज CA इंटर चल रहा था। मेरे बहुत सारे दोस्त जो थे वो CMA में ज्वाइन कर रहे थे, पर राइट मैंने सोचा CA और CMA का सिलेबस में बहुत सारा सिमिलरिटी भी थे। सिमिलर हाँ, दैट्स व्हाई ज्वाइन CMA एंड कॉम्प्लीटेड इट एंड कॉन्टिन्यूइंग विथ CA नाउ। ओके ओके ग्रेट ग्रेट। सो जब आपने CMA में इंटरमीडिएट फाइनल, आपने सिंगल सिंगल दिया था या आपने बोथ बोथ ग्रुप अपने अटेम्प्ट किया? नहीं सर, मैं CMA इंटर का जो दिया था वो बोथ ग्रुप दिया था, और सेमीफाइनल भी बोथ ग्रुप ही दिया था, और एक एक अटेम्प्ट में क्लियर भी किया था। ग्रेट। एंड आपने एक एक अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया, प्लस अगर हम मार्क्स की बात करें तो आपको परसेंटेज या मार्क्स याद है कि आपके इंटर में कितने आए थे और अभी फाइनल में कितने आए? सर मैंने 2 बार जो बोथ ग्रुप दिया था, मेरा ऐसा कोई मेरा नहीं था कि मैं रैंक रखूंगा ऐसा कुछ। मैं सिर्फ सेटअप के लिए बहुत ग्रुप दे रहा था, और अच्छा सर मेरा CA में इंटर में 73 के आसपास मार्क था परसेंटेज, ओके फाइनल पर यहाँ 51% ही था फाइनल, जस्ट ओके ओके पास हो गया सर। ग्रेट ग्रेट। पास होना भी अपने आप में मायने रखता है, ठीक है, ऐसा मत सोचो कि जस्ट हाँ सर, पास हुए हो। आई थिंक 6% रिजल्ट था CMA फाइनल का इस बार, राइट? सिक्स हाँ पॉइंट सर, बहुत समथिंग ग्रुप का परसेंटेज, 6% था। तो 100 में से सिर्फ 6 हाँ बच्चे पास हुए हैं और उसमें से तुम एक हो। तो इट्स ए ग्रेट अचीवमेंट ऑल्सो। देन बात करते हैं, आपने इंटर्नशिप किया, आपने CA की भी इंटर्नशिप ऑलरेडी CA फॉर्म से की थी, तो आपने CMA के लिए इंटर्नशिप कैसे की? हाँ मैं सर CA का जो इंटर्नशिप कर लिया था, तेजरा अस्पताल का एक फार्म था हमारा 3 साल का, और उसके बाद मैंने वो फार्म तो छोड़ दिया था। उसके बाद 6 महीने का मुझे और एक कहाँ ट्रेनिंग करना था, इसलिए मैं RBN को, हमारे यहाँ का भुवनेश्वर का एक फार्म था, वहां से किया ओके था। ओके ओके आपने किया था। देन अच्छा, आप ये बताओ कि लाइक हम फॉर्म में जो इंटर्नशिप करते हैं वो ज़्यादा वर्थफुल लगा आपको आपके अकॉर्डिंग, जितना भी कुछ आपने फॉर्म में सीखा? हाँ शायद इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग उससे भी अच्छा हो सकता है, पर फार्म का भी, मेरा जो CA फार्म था तेजरा अस्पताल, वो बहुत ही बड़ा फार्म है हमारा जो भुवनेश्वर का ओडिशा एरिया में? का। ओके हाँ उड़ीसा में बहुत बड़ा फार्म है, ओके बहुत ज्यादा टाइप का, पर वो ऑडिट पे ज्यादा फोकस कर रहा था हमारा, इंटरनल ऑडिट, स्टैचुटरी ऑडिट, स्टॉक ऑडिट, अकाउंट्स फाइनलाइजेशन, ऐसा बहुत कुछ हमने किया था। ओके सो अगर हम देखें तो अप्रोक्स आपने कितने मंथ की टोटल इंटर्नशिप की, CA प्लस CMA की इंटर्नशिप को अगर मैं मर्ज कर दूं तो? 3.5 साल। 3.5 साल
प्लस आपने अपने इंटर्नशिप की, राइट। अच्छा, जब आप जब आपका फाइनल का रिजल्ट आया था, देन उस दिन आपकी खुशी क्या थी? सर बहुत ज्यादा खुशी था। मैं तो पूरा सवेरे से बैठा था, मोबाइल 3-4 मोबाइल लेके लैपटॉप भी ऑन कर दिया था, सबसे रिफ्रेश मार रहा था, वो रिजल्ट ही नहीं आ रहा था, यूट्यूब फिटो सब देख रहा था, आएगा आएगा सबके साथ देख ओके। रहा था। और खाया भी नहीं था कुछ, बार बार घर में बोला था आ खा, तुम नहीं खाएगा क्या, रिजल्ट पास हो जाएगा, पर कुछ होता नहीं है हो रहा होता है था, होता है। मन में एक देखो, डर रहा था। जब रिजल्ट आती है ना, तो एक तो पहली नर्वसनेस होती है रिजल्ट आने की, तो उस खुशी उस टेंशन में इंसान खाना नहीं खा पाता है, और दूसरा जब इंसान पास कर जाता है तो उस खुशी में भी नहीं खा पाता है कुछ। हाँ मेरा सर इतना भी, मेरा घर में सर मेरे पापा तो ये जानते भी नहीं थे, मैंने कॉस्ट अकाउंटेंट और सीएमए में कुछ डिफर है वो बोलते थे, वो कॉस्ट अकाउंटेंट कुछ अलग है, सीएमए कुछ अलग है, ऐसा बोल रहे थे। अच्छा, तो उनको सब तुमने समझा दिया? हाँ रिजल्ट के बाद भी उनको पता नहीं था, मैंने पूछा मेरा सीएमए कब क्लियर हो गया, वो बोले कि कॉस्ट अकाउंटेंट तो होना ही है ना, वो कब होगा ऐसा बोले। अच्छा, ओके। सो नहीं, देखो कुछ तो मिस्टेक्स है हमारे इंस्टीट्यूट के साइड से, जिससे मल्टीपल नेम्स क्रिएट हो गए, बट हाँ, आप अपने पेरेंट्स को या फैमिली फ्रेंड्स जिनसे भी आप बात करते हो, आप उनको समझा दो कि ये दोनों एक ही है, बट हाँ नेम्स में थोड़े से हैं, हाँ एज पर लॉ ये है और ये सारी चीजें हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, लाइक कि जब आपका रिजल्ट आया, और फिर आपने मुझे कितने दिन बाद आपने मुझे कनेक्ट किया, और आपने मुझे मेरे से कैसे कनेक्ट हुए आप? सर, जब मैं क्लियर कर दिया उसके बाद मैं सोचा कैंपस आएगा कैसे, कैंपस के लिए फिर कैसे प्रिपेयर करें, यूट्यूब से बहुत सारे मैं वीडियो स्क्रॉल करने लगा सर, उसमें से एक वीडियो आपका भी था, मुझे ओके। अच्छा लगा, या उसमें आप नंबर भी दिए थे, तो उसी नंबर पे मैं सर रिज्यूमे के बारे में कुछ पूछने के लिए कॉल किया था सर आपको, राइट राइट सर राइट उसमें सर आपने वो भी बता दिया, मुझे बता दिया, ऐसे आपने नहीं बोला कि मेरे कोर्स ज्वाइन करो तो मैं बताऊंगा, ऐसे आपने कुछ नहीं बोला था मेरे, आप मुझको ओके। याद है। और उसके बाद आप भी बोले थे, मैंने बोला मेरा ऐसे ऐसे क्लियर हुआ है, कैंपस के लिए बहुत डर है ऐसे, तो आपने बोला था मेरा ये कोर्स ज्वाइन कर लो, यहाँ यहाँ ये सब सीखने को मिलेगा, बहुत जेन्युइन प्राइस भी था सर, राइट राइट और मैं उसके बाद ही ज्वाइन किया था सर। ओके। सो देन आपने उसके बाद आप भी काफी कंटिन्यू रहे, सारे सेशंस भी आपने अटेम्प्ट किए, और तो आपको जो मैंने नोट्स प्रोवाइड किए प्लस जो आपने सेशंस सारे अटेम्प्ट किए, वो सारा आपके लिए वर्थफुल रहा? कैंपस में आपको एक कॉन्फिडेंस था कि आप कैंपस क्रैक कर लोगे? हाँ सर बहुत ज्यादा था, मुझसे बहुत ज्यादा लगा, लिंक्डइन के बारे में मुझे कुछ पता भी नहीं था सर, वो बहुत ज्यादा लिंक्डइन को अपडेट करना है, बहुत जन के साथ कनेक्ट है, ये सब आपसे ही सीखा था सर, ये सच है, लिंक्डइन के बारे में कुछ पता ही नहीं था। या ग्रेट ग्रेट ग्रेट। एंड देन जब कैंपस से ऑफर मिला आपको, तो आपने उस समय भी मुझे ही कॉल किया था, तो मुझे उस समय भी बहुत खुशी हाँ मिली कि चलो आप भी आए और आपका भी प्लेसमेंट हो गया। इनफैक्ट आप 6 बच्चे आए थे, 6ों का प्लेसमेंट हो गया, 3 दिल्ली 3 कोलकाता हाँ कैंपस, सारे एक्सपर्ट बच्चे थे, सबका प्लेसमेंट हो गया। तो अभी अभी आपकी उन्होंने लोकेशन आपको L&T से मिल गया है? नहीं सर अभी तक नहीं बताए। ओके ओके। सो अच्छा, आप ये बताओ, लाइक आपका ऑलरेडी शॉर्टलिस्टिंग काफी सारी कंपनीज में थी, राइट? आपका फर्स्ट इंटरव्यू हाँ सर L&T का था कैंपस में, या इससे पहले भी आपने इंटरव्यू दिया था कैंपस में? सर मेरे में आसपास 9 कंपनी में शॉर्टलिस्ट था, उसके मेरा जो इंटरव्यू था L&T का वो पहला था, और वो सवेरे 9:30 बजे हो गया, और साढ़े ओके। नौ बजे हो गया मुझे 10 बजे तक पता भी लग गया कि मेरा L&T में हो गया, बाकी किसी भी और मौका बाकी ही के नहीं मिला। इंटरव्यू नहीं दे पाए सर। इसलिए थोड़ा पहले पहले मुझे दुख भी लगा, क्यों L&T में दे दिया और कहाँ पे देगा, तो मैं देखा मेरा जॉब प्रोफाइल भी बहुत बढ़िया है, अभी जो कॉस्टिंग का प्रोफाइल पूरा है, और L&T में बहुत बढ़िया भी था, और उसके बाद में ठीक है। टोटल नहीं, अच्छा है। पहले दिन हमारा 25-30 का होता है सर, पहले दिन उसमें राइट हो राइट, जाना ही बहुत बड़ा बात है, अच्छी बहुत कंपनी भी बड़ा है बात। L&T। सो आप एक चीज और आप बताओ, लाइक आप स्टूडेंट्स को क्या सजेशन देना चाहोगे अपने साइड से, कि उन्हें ट्रेनिंग करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, या फिर आपने जैसे फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में भी आपने CMA के एग्जाम्स को क्रैक किया, तो आपने क्या स्ट्रेटेजी को फॉलो किया फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम को क्रैक करने के लिए? हाँ सब पहले तो एग्जाम ही क्रैक करना पड़ेगा, और
वहाँ पे सर हमें ये फोकस करना चाहिए कि ये बोथ ग्रुप ऐसा तो कुछ नहीं होता, हम सिंगल सिंगल ग्रुप भी दे सकते हैं, एक एक अटेम्प्ट भी काउंट होगा वो भी। और मैंने दिया था सर एग्रेड करने के लिए, ये तो सच है। और एक एक ग्रुप को अगर फोकस करके हम आसानी से एक एक अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं कि कोचिंग ही लेना पड़ेगा नहीं तो ग्रुप क्लियर नहीं होगा सर। सेल्फ स्टडी से भी बहुत आसानी से हो जाता है, यूट्यूब में अच्छा बहुत ज्यादा वीडियो भी है। थोड़ा हमें सब्जेक्ट को लेकर कंसंट्रेट ज्यादा होना पड़ेगा सर, और अगर ज्यादा भी 7-8 घंटे हम फोकस में पढ़ेंगे सर आसानी से निपट लेंगे वो कोर्स। डेफिनेटली. सो दैट्स और उसके ऑल. बाद सर थोड़ा सा इंटर्नशिप के बारे में बताओ कि मतलब इंटर्नशिप क्यों इम्पोर्टेंट है. बिकॉज बहुत सारे बच्चे होते हैं जो डमी ले लेते हैं, तो अगर वो इंटर्नशिप करते हैं तो उसका क्या एडवांटेज है. सर इंटर्नशिप का बहुत एडवांटेजेस है सर। वो जो पहला क्वेश्चन जो पूछते हैं इंटरव्यू, हमारा रिज्यूमे से वर्क एक्सपीरियंस को लेकर ही पहले पूछते हैं, उसके बाद हमारे टेक्निकल सब्जेक्ट में जाते हैं सर। वहां पे जो हमने लिखा है रिज्यूमे में वो सच होना चाहिए, अगर वो झूठ होगा वो पकड़ लेंगे सर। उसमें से डेफिनेटली. हम जो भी लिखें वो सच लिखें। और मेरा भी टाइम में एक था कि कोविड आ गया था, मैं जो किया था तेजस्वी का है, उसके बाद भी मैंने जो रिज्यूमे में लिखा था, मैं जो जो ऑडिट किया हूँ, जिस जिस जगह का ऑडिट किया हूँ उसके बारे में भी उन्होंने पूछा, तो मैंने तो सही से किया था वो मैंने बोल दिया। इंटर्नशिप बहुत ज्यादा जरूरी होता है। थैंक यू. सो आप कुछ और एड ऑन करना चाहते हो, कुछ भी जो आपके अकॉर्डिंग आपने अपनी जर्नी से सीखा है. मुझे मेरी जर्नी से सीखने को मिला कि हारना कभी नहीं चाहिए, चीजों से फाइट करना चाहिए. सो आप अपने जर्नी से आप बच्चों को क्या मोटिवेशन देना चाहते हो. हाँ सर, सो मेरा भी वही है कि सर कभी भी हारना तो नहीं चाहिए, पर एक बार हम देखते हैं कि अटेम्प्ट भी लग जाता है। मैंने कैंपस में देखा कि सर अटेम्प्ट लगने के बाद भी वो पीएसयू में सिलेक्ट होते हैं, पीएसयू में भी आ जाते हैं सर। और ऐसा भी नहीं कि अटेम्प्ट होने से नहीं होगा कुछ भी, वो थोड़ा हेल्प करता है शॉर्टलिस्टिंग में, जरूर क्या अटेम्प्ट ना होना, पर अटेम्प्ट होने के बाद भी वो अच्छा जॉब भी मिल जाता है। पर जो हमें हमेशा हमारा जो काम है उसके लिए पूरा फोकस होना चाहिए, अगर हम फोकस होंगे तो हम जरूर सक्सेस पाएंगे, ये तो सच है सर। थैंक यू कि आपने अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर किया और बच्चों को गाइडेंस दिया रिगार्डिंग कैंपस एंड ऑल दिस थिंग्स. होप सो कि आप अपने लाइफ में सारे अचीवमेंट्स को आप अचीव करो जो आप चाहते हो. एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर. L&T में जब फ्यूचर में कोई वैकेंसी है तो मुझे भी रेफर कर देना. थैंक यू सर। हमारा तो वो जानने स्टार्ट हो गया सर, कैसा होगा वो भी जानने के लिए इंटरेस्टेड हूँ सर, नहीं कैसा नहीं हमारा डेफिनेटली. प्रोफेशनल लाइफ तुम्हें चलेगा। कभी भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगा तो डेफिनेटली यू कैन कनेक्ट विथ मी. आई विल गिव यू ए राइट सजेशंस कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए. बिकॉज देखो कॉर्पोरेट जर्नी जो न्यू थिंग फॉर यू फॉर एवरीवन. सबको एक हाँ कॉर्पोरेट सर, जर्नी स्टार्ट करता है तो नया होता है, नई नई चीजें होती है, थोड़ा सा डर भी होता है कि यार इतनी बड़ी कंपनीज में जा रहे हैं कैसी होगी चीजें हाँ हमारे साथ, क्या हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, राइट. तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग हाँ में सर, चलते हैं. उसके बारे में मत सोचो अभी. जब तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ है तब तक इंजॉय करो. बिकॉज अभी जो आपके पास टाइम है आप फैमिली के साथ फ्रेंड्स के साथ आप इंजॉय कर सकते हो, कहीं घूम सकते हो. एक बार जब जॉब लग गई तो लिमिटेड हॉलीडेज होती है जो कि आप स्पेंड कर हाँ सकते हो, बस और कुछ नहीं. तो अभी जितना एंजॉय करना है एंजॉय कर लो, टेंशन मत लो, सब कर लोगे तुम. तुमने वो चीज कर दिया है जो ओके। कोई नहीं कर सकता. जॉब तो हर कोई कर ही लेता है, पेपर हर कोई नहीं पास कर पाता है. ओके सो ठीक इससे बड़ा चैलेंज लाइफ में कुछ नहीं हो सकता. तो बेस्ट ऑफ लक टू यू बापनी. एंड थैंक यू कि सर, आपने थैंक यू मेरा सर। कोर्स भी ज्वाइन किया एंड ट्रस्ट किया एंड होप सो कि आपको रिजल्ट भी मिल गया. थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर. थैंक